पाएंगे न्यूज 38 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के ग्यारकुंड प्रखंड कार्यालय में CPIML के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। ग्यारकुंड प्रखंड कार्यालय में CPIML के कार्यकर्ताओं ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्यालय में प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए पुरुष एवं महिला कामरेडों ने प्रखंड कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और बाद में अपने 14 सूत्रीय मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी विजेंद्र कुमार को सौंपा। मौके पर माले नेता नागेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 27 अगस्त को राज्य भर में सभी प्रखंड एवं जिला कार्यालयों में इसी तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग पत्र में मुख्य रूप से कोरोना संकट में बिजली माफी, बेरोजगारी दूर करने के लिए बिना ब्याज के ऋण, कुल 14 मांगे हैं। हमने केंद्र और राज्य सरकार के संज्ञान में दी है, जिसे हम लोगों ने शारीरिक और सामाजिक दूरी बनाते हुए शांतिपूर्ण ढंग से सारी बातों को रखने का प्रयास किया है। धनबाद जिला ब्यूरो मलाई गोप की रिपोर्ट। सरकार हो जो किया है लोग, उसको जो है व्यवहार में लागू करो। और इसी सवाल को लेकर आज हम लोग जो है 14 सूत्री मांग पत्र के आधार पर जो है हर प्रखंड पर जो है हम लोग धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम लोग ग्यारकुंड प्रखंड पर भी धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे 14 जो सूत्री मांग पत्र है उसमें है कि तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं वो कोरोना काल में सारे गरीब लोगों को जिनको राशन कार्ड नहीं है उनको भी 50 किलो राशन जो है मुहैया किया जाए। तमाम बेरोजगारों को, तमाम जो है प्रवासी मजदूरों को जो है मनरेगा में जो है नौकरी देने की बात थी, रोजगार देने की बात थी, उसको जो है पूरा करने का काम करे। और ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो छोटे मोटे व्यवसायी गण